नमस्कार मित्रों, आप सभी का नरेंद्र विश्वकर्मा यूट्यूब चैनल में मैं नरेंद्र विश्वकर्मा हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो में देखेंगे मानवीकरण अलंकार व मानवीकरण अलंकार का उदाहरण। इसे भुलाकर दिखाइए तब जाने। जी हां, यदि आप इस वीडियो को अंत तक देखते हैं तो आप यकीन मानिए आपको यह भूलने पर भी कभी नहीं भूलेगा, अर्थात आप इसे चाहे कि भी भुलाना तब भी नहीं भुला पाएंगे, क्योंकि इसके समझाने का तरीका बहुत ही सरल है। तो सुंदर से इसकी परिभाषा होती है मानवीकरण अलंकार की, जहां निर्जीव वस्तु का सजीव होना दर्शाया जाए वहां मानवीकरण अलंकार होता है। जहां निर्जीव वस्तु का सजीव होना दर्शाया जाए, अर्थात वो वस्तु निर्जीव है किंतु उससे व्यवहार ट्रीट इस प्रकार किया जाए वह सजीव हो। जैसे कभी कोई छोटा सा बच्चा चलता है वह गिर जाता है तो उसे कहा जाता है कि जैसे कोई छोटा बच्चा चल रहा है और उसे गोड़ गल लग जाता है तो उससे जो घर के बुजुर्ग होते हैं वो कहते हैं कि हमारे भैया को इस बोर्ड ने मारा, बोर्ड को मार दो, ऐसा मार दो। तो इस प्रकार व्यवहार किया जाता है। कहने का तात्पर्य, हमने इस बोर्ड से इस प्रकार व्यवहार किया जैसे सजीव से लग जाए, अर्थात से चोट आ जाए। जैसे कभी कभार आपने सुना होगा छोटी जो मां होती है अपने बच्चे को सुलाते हुए या किसी प्रकार का कार्य करते समय उन्हें कहती है, चंदा मामा आजा, भैया को टिक्की लगा जा। भले ही चंदा बेजान है लेकिन उसे कहा जाता है कि यहां पर चंदा मामा आएंगे और भैया को टिक्की लगाए, अर्थात टीका लगाकर चले जाएंगे। अर्थात चंदा जो बेजान है उसे हमने जो बात की उसे सजीव मानकर बात की। तो हाँ, जहां हम बेजान वस्तु को सजीव मानकर बात करते हैं तो वहां पर यह सजीव दर्शाया जाए तो वहां पर कौन सा अलंकार होता है? मानवीकरण अलंकार। इसका सुंदर सा दोहा एग्जाम्पल देखे, मेघ आए बड़े बड़े बन ठाने सभर के। आप हमें बताइए कि मेघ सजीव है या निर्जीव? तो आपका सीधा साधा आंसर होगा कि सर यह निर्जीव है। तो क्या कभी निर्जीव वस्तु सजने संवरने का कार्य करती है? तो आपका आंसर होगा जी नहीं, किंतु यहां पर हमने जो कार्य किया वहां पर संवरने का कार्य किया है। सजने संवरने का कार्य कौन करता है? सजने संवरने का कार्य करता है सजीव। तो वहां पर जो मेघ है इससे हमने कैसा व्यवहार किया? सजीव की तरह। तो जहां पर हम निर्जीव वस्तु को सजीव दर्शाया जाए तो वहां पर कौन सा अलंकार होता है? मानवीकरण अलंकार। तो जहां निर्जीव वस्तु का सजीव होना दर्शाया जाए वहां मानवीकरण अलंकार होता है। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो कृपया वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर इसी तरह की जानकारी चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार मित्रों, जय माता दी, राधे राधे, जय श्री राम।